బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మాన్ రహీమ్. అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్. ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డెలివర్డ్ టుడే దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రీమెంట్. యు నో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రీమెంట్ is very crucial topic aur ye from the class 1 to the post graduate students ke liye ek problem hai in which they use english wrongly aur usme sabse badi ya sabse zyada galtiyan mistakes jo hai wo subject verb agreement ki hoti hai. In my own experience, I conducted a research in my own locality and I found that about 50% of students, 50% of mistakes are related to subject verb agreement. So this is the situation, and for that purpose main syllabus ke sath sath grammar ka ye lecture bhi record kar raha hu for the benefit of students. So they can overcome this problem from the very beginning. So subject verb agreement ka is very much related to the writing in English language. And for that case, this topic is very important. And it is also important for those students who are appearing in MDCAT test, because out of 200 MCQs, 20 MCQs are related to English, and out of them there is a huge proportion or significant proportion of that is mistakes or error analysis or such type of things. To chalte hain apne topic ki taraf. Pehle to ye cheez samajh nahi hai ki subject verb agreement kya hota hai, subject kya hai aur wo verb ke sath kaise कोऑर्डिनेट करता है, कॉन्साइड करता है टू मेक अ कंप्रिहेंसिबल राइट सेंटेंस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट द मेजर पार्ट्स इज अ मेजर एलिमेंट इज सेंटेंस. सेंटेंस बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है. एक उसका पार्ट होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आमतौर पे वी डिफाइन इट के इट मे बी डू अ रेफरेंस एक्शन, जैसे हम आमतौर पे पढ़ते हैं. लेकिन ये सिर्फ डूअर ऑफ एन एक्शन ही नहीं है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ अबाउट सेंटेंस. यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि सारे सेंटेंसेस वर्ब को कैरी नहीं करते, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक्शन को कैरी नहीं करते. सम सेंटेंसेस आर कंटेन इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दो तरह के सेंटेंसेस होंगे, जहाँ पे वर्ब है एक्शन है और जहाँ पे एक्शन नहीं है. एग्जांपल में देखिएगा, द रिच हेल्प द पुअर, यहाँ पे हेल्प वर्ब था और इसका डूअर कौन है, रिच है, और रिसीवर कौन है, पुअर है. तो इस तरह से दो रेड है, द रिच, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इसके, और ये एक्शन परफॉर्म कर हेल्प का, और इसका रिसीवर जो है ना पुअर है. तो अगर हम सब्जेक्ट के हवाले से देखें तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिच. सिमिलरली द नेक्स्ट केस इज कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिजीज. As you can see, the highlighted word corona is a name of a disease that is very horribly devastating the world at present, and that's why it is the subject of the sentence. Lekin yahan pe aap dekhenge ki corona is not performing in any action. Is an infectious disease corona ko define kar raha hai, but is not playing any role. It is not adding, it is only adding into the you can say meaning of corona.
तो इसका मतलब यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, रादर इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितनी टाइप का होता है। अब हम चलते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पहला हिस्सा तो सब्जेक्ट था, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, जो बाकी हिस्सा है सब्जेक्ट के अलावा वो सारा का सारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी कैन गेट टू नो फ्रॉम वेयर प्रेडिकेट स्टार्ट्स। तो दिस इज अ वेरी सिंपल इंडिकेशन ऑफ दैट कि प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। फिर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं हेल्पिंग ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और लिंकिंग ऑक्सिलरी। जैसे नाम से जाहिर है कि ये हेल्प कर रहा है, हेल्प किसकी कर रहा है, इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब। तो हेल्प करके करता क्या है, व्हाट इज द रोल दैट इज प्लेड बाय दिस हेल्पिंग ऑक्सिलरी, ये टेंस बताता है। टेंस क्या है, टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन, ये टाइम है जिसको हम उर्दू में ज़माना कहते हैं। इट इज एक्शन का टाइम है कि एक्शन किस वक्त हो रहा है। सपोज ही इज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग, ही विल बी वॉकिंग, तीनों सेंटेंस में एक्शन सेम है, डूअर सेम है, लेकिन उसका टेंस डिफरेंट है। ही इज वॉकिंग प्रेजेंट में, ही वॉज वॉकिंग पास्ट में और ही विल बी वॉकिंग फ्यूचर में। तो इज वॉज और विल बी ये तीन हेल्पिंग ऑक्सिलरी हैं जो इसके टेंस को डिटर्मन कर रहे हैं। दूसरा जो हिस्सा है ऑक्सिलरी वर्ब का, जो दूसरी टाइप है, वो मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे नाम से जाहिर है मॉडल ऑक्सिलरी क्या करते हैं, वो मूड को बताते हैं, अदर देन एक्शन के वो सेंटेंस के मूड को, उस वर्ब के मूड को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन हेल्प मी, ही मे हेल्प मी और ही शुड हेल्प मी। तीनों सेंटेंस में एक्शन हेल्प ही है और ही है और मेरी मदद कर रहा है, बट इन ऑल थ्री केसेस द मूड ऑफ द सेंटेंस इज डिफरेंट। व्हेन वी आर सेइंग ही कैन, तो इसका मतलब ये कैपेसिटी शो कर, मतलब वो कर भी सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है। जब मैं कह रहा हूँ ही मे हेल्प मी, तो मुझे डाउट है, देयर इज अनसर्टेनिटी वेदर ही वुड हेल्प मी या नॉट, तो डाउट आ गया। तो इसका मतलब ये मूड यहाँ पे डाउट का है या अनसर्टेनिटी का है। उसके बाद जब हम कह रहा हूँ कि ही शुड हेल्प मी, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसको, आई एम सजेस्टिंग हिम दैट ही शुड हेल्प। तो इन ऑल दीज ऑल वर्ड्स, कैन, मे, शुड, मस्ट एट्सेट्रा, दे आर मॉडल ऑक्सिलरीज। और लिंकिंग ऑक्सिलरी, ऑफन दे आर कन्फ्यूज विद हेल्पिंग ऑक्सिलरीज। अमूमी तौर पर जैसे इज है तो हेल्पिंग भी है और लिंकिंग भी है। तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, द डिफरेंस इज द देयर यूज। हम देखेंगे कि अगर वो वर्ब के साथ आ रहा है तो फिर हेल्पिंग है, अगर वो अकेला आ रहा है तो वो लिंकिंग है। लिंकिंग का मतलब है कि वो ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है किसको, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को। ये भी हम फर्दर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से निकला है या पार्ट से निकला है, जो किसी का फ्रेगमेंट होता है, पार्ट होता है, तो इसका मतलब कंप्लीट करने वाला। तो ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर देखें, इफ़ यू रिमेंबर, तो यहाँ पे इज़ जो है वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, कोरोना के, उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको कंप्लीट कर रहा है, उसके बारे में एडेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इस दोनों पार्ट्स को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग ऑक्सिलरी। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी, द रिच ऑफ पाकिस्तान हेल्प द पुअर। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल को ही एक्सटेंड किया और उसमें मैंने अभी देखा कि अगर हम रिच ऑफ पाकिस्तान हेल्प द पुअर में देखिएगा,
तो यहाँ पे सेंटेंस प्रेडिकेट कहाँ से शुरू हो रही है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्प। हेल्प से पहले पहले सारा का सारा सब्जेक्ट होगा, और इसको जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट फ्रेज है, या नॉन फ्रेज भी कह सकते हैं उसको। इसमें ये जब भी हम सब्जेक्ट फ्रेज या नॉन फ्रेज का यूज़ करते हैं तो उसमें एक मेन वर्ड होता है, सेंट्रलाइज वर्ड होता है, जिसके गिर्द वो पूरी फ्रेज घूम रही होती है, या जिसके बगैर वो फ्रेज मीनिंगलेस हो जाती है। डेफिनेटली फ्रेज वैसे भी इनकम्प्लीट मीनिंग कैरी करते हैं, लेकिन ये पूरे सेंटेंस को मीनिंगलेस बना देगी। अगर हम आप पाकिस्तान को निकालें तो फिर भी सेंटेंस कम्प्लीट होगा, लेकिन अगर रिच को निकाल दें तो ये सेंटेंस सारा का सारा मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सारे सब्जेक्ट फ्रेज में रिच का मेन रोल है, रिच को ही सेंट्रलाइज पोजिशन हासिल है, और दैट इज द ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जैसा कि हमारा टॉपिक विजिबल है आपके सामने कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट देखना, तो इसका मतलब हमने पहले सबसे पहले सब्जेक्ट में उस की वर्ड को देखना है अबाउट विच द होल सब्जेक्ट फ्रेज इज बेस्ड ऑन। यहां पे इस पूरी फ्रेज में रिच हमारा सेंट्रलाइज वर्ड है, द भी इसको स्पेसिफाई कर रहा, और आप पाकिस्तान भी इसके मीनिंग में इजाफा कर, तो इसका मतलब रिच इज द सेंट्रल वर्ड, और रिच का ही हमने एग्रीमेंट देखना है किसके साथ? हेल्प के साथ, कि वेदर इट इज कोऑर्डिनेटिंग विद हेल्प और नॉट। अब यहां पे रिच चूंकि ये अनदर क्वेश्चन के रिच के साथ हेल्प्स आना चाहिए, हेल्प आना चाहिए, रिच चूंकि कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसके साथ हम प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम वो नाउन्स हैं वो जो एडजेक्टिव से बनते हैं डिटर्मिनर लगा के। खैर, सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो अगला सेंटेंस है उसमें देखिएगा, कोरोना वायरस स्टार्टिंग फ्रॉम वुहान एंड अ चाइनीज सिटीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो हमारा इससे पहले पहले, तो जैसे हमने दो मेजर इंडिकेशन पढ़ी थी कि हमारा जो प्रेडिकेट है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, फ्रॉम वर्ब, या सॉरी फ्रॉम वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट हुआ हेल्प, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने देखा, ये लिंकिंग ऑक्सिलरी है, क्योंकि ये दो चीज़ों को आपस में मिला रहा है। अगेन जहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इस हाईलाइटेड पूरी फ्रेज में नाउन फ्रेज पे वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेंट्रल वर्ड अबाउट विच द होल सेंटेंस इज कंसर्न्ड और इज एसोसिएटेड। आप जरा देखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वुहान इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, पॉसिबल है, वुहान इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, एब्सर्ड मीनिंग हो जाएगा, या कोरोना वायरस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो डेफिनेटली क्या होगा? कोरोना वायरस हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कोरोना वायरस के हिसाब से हमने किसको देखना है? वर्ब को देखना है, आया कि लिंकिंग ऑक्सिलरी जो है उसके अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब के साथ किस तरह से एग्री करता है। ये जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम वी आर एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें हम मुख्तलिफ आस्पेक्ट पे देखेंगे, जिस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म के टाइप के ऑफ सेंटेंसेस पे हम गौर करेंगे। पहला हमने देखा, देयर इज अ सिमिलर, सबसे पहला हमने देखा कि किस तरह से नाउन और नाउन फ्रेज के साथ हम वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं। नाउन और नाउन फ्रेज, इसका इसमें वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई एम डिस्प्लेइंग द ऑल द सेंटेंसेस एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट पास द वीडियो टू सॉर्ट आउट और टू सॉल्व ऑल द ऑप्शंस। हर सेंटेंस में एक एक ऑप्शन दिया हुआ है, और उस ऑप्शन से आप ने इसको सॉर्ट आउट करना है या राइट ऑप्शन को चूज करना है।
तो बाय स्टॉपिंग योर वीडियो यू कैन सॉल्व एंड देन यू कैन मूव ऑन। तो इस पे हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से नाउन फ्रेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरह से नाउन फ्रेज में हम वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सेंट्रल नाउन के साथ हम देखेंगे उसको। नाउ सिमिलर स्लाइड, वही वाली स्लाइड नेक्स्ट में इसको सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर देखें, हमारा जो सब्जेक्ट है से पहले पहले है द रनिंग बॉय विद इज फेलोस। अब यहाँ पे विद इज फेलोस और द रनिंग बॉय ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट फ्रेज है, लेकिन इसमें एक की वर्ड है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे फाइंड अ प्लूरल नाउन जस्ट बिफोर द वर्ब, तो प्लूरल नाउन को ही मेन सब्जेक्ट समझ लेते हैं और उसी के मुताबिक वर्ब को लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे विद हिज फेलोस के साथ अक्सर बच्चे हैव को ऑप्ट करते हैं। बट अगेन, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा हमें इस पूरी फ्रेज में हमने देखना है कि हमारी सब्जेक्ट फ्रेज में मेन वर्ड कौन सा है जिसके गिर्द ये पूरा सेंटेंस घूम रहा है। तो रीच्ड कौन हुआ, फेलोस रीच हुए या बॉय रीच हुआ, बॉय है द रनिंग बॉय। तो बॉय हमारा सेंट्रल वर्ड है, यही हमारा सब्जेक्ट है, यानी है तो सारी सब्जेक्ट फ्रेज, लेकिन उसमें की वर्ड जो है बॉय है, बॉय के हिसाब से क्या आना चाहिए, हैस आना चाहिए। सिमिलरली द टीचर, अब जरा यहाँ पे देखिएगा हमने नाउन के साथ क्या इस्तेमाल किया, प्रपोजिशन फ्रेज इस्तेमाल की। तो व्हेन वी आर यूजिंग प्रपोजिशन फ्रेज विद नाउन तो ये पूरा का पूरा क्या बनाती है, ये एज एडजेक्टिव प्ले करती है, क्योंकि प्रपोजिशन फ्रेज के दो मेजर फंक्शन होते हैं। अगर नाउन के साथ आ रहा है तो वो एडजेक्टिव के मीनिंग एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, और अगर वो एंड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है या वर्ब के साथ आ रहा है तो फिर ये एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं। तो दो मेजर रोल होते हैं किसी भी प्रपोजिशन फ्रेज के। द टीचर इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है या टीचर स्टूडेंट्स है। तो लुक्स सराउंडेड कौन है, वो टीचर है डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ही हम अपना सब्जेक्ट कंसीडर करके उसी के हिसाब से वर्ब को एग्री करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, प्रपोजिशन फ्रेज है जो टीचर के मीनिंग में इजाफा कर रही है, और हम टीचर के साथ एग्री करेंगे तो क्या होगा, लुक्स आ जाएगा रादर के लुक आना, लुक की बजाय। अगली एग्जाम्पल में होप सो कि आप इस कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और किस तरह से अब आपने मज़ीद जो एक्सप्लोर करना है या कंसीडर करना है वो देखना है कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस नाउन फ्रेजेस, और कौन कौन से पार्ट्स को हम या कौन कौन से एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल करके एक नाउन को एक्सटेंड करते हैं। अगली एग्जाम्पल में हमारा सेंट्रल वर्ड टॉयज नहीं है बल्कि चाइल्ड है, यह की वर्ड है। इनोसेंट भी इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, द भी इसको स्पेसिफाई कर रहा है, और प्लेइंग विद इस टॉयज भी इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो चाइल्ड ही हमारा रनिंग अराउंड है, ना कि टॉयज रनिंग अराउंड है। तो चाइल्ड के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉस आ जाएगा द कल्प्रिट। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने नाउन फ्रेज कैसे बनाई, बाई यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ना वो यूज़ की, या इसको हम पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं बिकॉज इट्स सेंटर इज पार्टिसिपल। अगले सेंटेंस में द कल्प्रिट कन्वर्टेड इन मैनी केसेस, तो अब हमारा सब्जेक्ट केसेस नहीं है बल्कि क्या है, कल्प्रिट है। कल्प्रिट के साथ डोंट आएगा या डजेंट आएगा, डेफिनेटली योर आंसर विल बी डजेंट बिकॉज कन्विक मैनी केसेस हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पर हमने फ्रेज कैसे बनाई या नाउन की ये सब्जेक्ट फ्रेज कैसे बनाई, पास्ट पार्टिसिपल के साथ। तो अभी तक हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े, प्रपोजिशन फ्रेज और प्लस हमारी पार्टिसिपल फ्रेज। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी क्राइसिस प्लूरल वाला ही के साथ, यू नो आई के साथ हो तो सिंगुलर होता है। अब अगेन यहाँ पे प्रपोजिशन फ्रेज है और यहाँ पे क्राइसिस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बल रादर आवर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एग्री करेगी किसके साथ, वर्ब के साथ, और वर्ब हमारा क्या बनेगा, नीड्स होगा। द बुक रिव्यूड बाय मैनी स्कॉलर्स, अब यहाँ पे भी देखिएगा रिव्यूड बाय मैनी स्कॉलर्स, सो स्कॉलर्स आर नॉट द सब्जेक्ट, रादर सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज बुक, और बुक के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा।
द डॉग कमिंग अप अगेन एंड अगेन इन माई रूम्स. अब यहाँ पे देखिएगा, डॉग हमारा सब्जेक्ट है, रूम्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो डॉग के साथ क्या आएगा, सीम्स आएगा. तो यहाँ तक हमने देखा ये तीन तरह की फ्रेजेस हमने कंस्ट्रक्ट की. एक प्रपोजिशन फ्रेज है और दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल है. अगली इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. अगेन इट इज़ अ डिवाइस दैट यू जस्ट पॉज फॉर अ फ्यू मिनट्स दिस वीडियो सो दैट यू मे सॉल्व दिस यू कैन से स्लाइड. वेन एवर वी गो फॉर इट्स सोल्यूशन. अब यहाँ पर देखिएगा, मैनी स्टूडेंट्स हैविंग कंप्यूटर क्लास, ये वाइस वर्स है. जैसे पहले सिंगुलर था, बाद में जो कॉम्प्लीमेंट वो जो फ्रेजेस थी वो प्लूरल नाउन के साथ ही लास्ट पे, अब ये केस उल्टा है. सम टाइम नाउन पहले प्लूरल होते हैं लेकिन बाद में आने वाली जो फ्रेज है उसमें जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है. लेकिन हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा. स्टैंडिंग कौन है लेबोरेटरी में, वो स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हमने क्या लगाएंगे, आर इस्तेमाल होगा. यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है. अब बॉय सेलिंग इज वेयर्स, अब वेयर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बॉय है, उसके हिसाब से हैज आ जाएगा. द फिश, अब यहाँ पे देखिएगा, समटाइम हम एडजेक्टिव क्लॉज के साथ भी इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हमारा जो सब्जेक्ट फ्रेज है वो कहाँ तक है, हैज हैव तक है. अब हैज हैव से पहले पहले सारा का सारा सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट फ्रेज में एक क्लॉज भी है, क्योंकि मेन हमारा वर्ड की वर्ड वो फिश है. विच इज या विच आर फॉर सेल, क्या होगा. अब यहाँ पे हमने विच किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, चूँकि एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है, तो विच यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, फिश के. और फिश के हिसाब से ही हमने क्या करना है, इस्तेमाल करेंगे वर्ब. अब चूँकि हमारा ये एग्रीमेंट सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब उसी तरह से है, सिमिलरली यहाँ पे सब्जेक्ट जो ना इस क्लॉज के हिसाब से सब्जेक्ट ये है हमारा, जो किसको एंटीसिडेंट इसका क्या है, वो फिश है. और उसके हिसाब से अब फिश जो है वो चूँकि सिंगल भी ली जाती है और प्लूरल भी ली जाती है. अब चूँकि ज़्यादा है ओशन पे पकड़ी गई तो ज़्यादा है, तो विच आर फॉर सेल हैव बिन कॉट फ्रॉम द ओशन होगा. द डॉल्फिन प्लेइंग विद चिल्ड्रन, अगेन यहाँ पे डॉल्फिन हमारा सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन नहीं है, और उसके साथ अपीयर्स आ जाएगा. द पार्सल विच वॉज पोस्टेड बाई मैनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, अब देखेंगे पूरी की पूरी क्लॉज है. जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रेपोजिशन फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस, और चौथा हमने अब देख रहे हैं कि ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं. एडजेक्टिव क्लॉजेस भी हमें कंफ्यूज करती हैं और अक्सर रन ऑन सेंटेंसेस का बायस बनती हैं, जिसमें हम अक्सर अगला पार्ट भूल जाते हैं. एक तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की क्या होती है, किसके अगला पार्ट मिस कर देते बच्चे, वो समझते हैं कि यहाँ तक ही सेंटेंस कंप्लीट है स्टूडेंट्स तक. हालांकि अब देख रहे हैं विच वॉज पोस्टेड बाई माई स्टूडेंट्स जो है ये हमारा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये हमारा सब्जेक्ट है. लेकिन सब्जेक्ट की प्रेडिकेट मौजूद नहीं होगी अगर हम यहाँ तक सेंटेंस ख़त्म कर लेते. तो यहाँ पे पार्सल हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लॉज पार्सल के मीनिंग में इजाफा करिए. तो इसका मतलब सेंट्रलाइज वर्ड हमारा क्या है, पार्सल है, और उसके हिसाब से क्या आएगा, हैज अराइव्ड होगा. द चेयर दैट वॉज मेड ऑफ वुड कलेक्टेड फ्राम वेरियस फॉरेस्ट, अगेन यहाँ पे भी एडजेक्टिव क्लॉज जो दैट के साथ आ रही है. रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं इसको, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, विच है, दैट है, हु है, वगैरह वगैरह. तो चेयर हमारा सब्जेक्ट है और चेयर के साथ ही हमने वर्ब को एग्री करना है, तो चेयर के साथ क्या होगा, वॉज होगा. अब यहाँ पे आई हैव यूज अ लेंथी सेंटेंस जिसमें आप देख सकते हैं के मल्टीपल फ्रेजेस और क्लॉजेस इस्तेमाल की गई हैं, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. वेरी क्रूशल टॉपिक इज आई अर्लियर एक्सप्लेन रिलेटेड टू द मैनी क्लासेस, एंड इवन इफ यू आर राइटिंग प्रोफेशनली इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एन इंटेलिजेंट बॉय ऑफ 13 years हु हैज हैव मैनी इनोवेटिव आइडियाज इज आर नीडेड टू बी अवार्डेड विद प्राइज. अब यहाँ पे हु, यहाँ पे कौन है, अब यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है.
अगर तो ये कॉमा ना होता तो ये समझ लेते हम कि यर्स जो है ना हमारा एंटीसीडेंट है, लेकिन कॉमा लगाने से ये हो गया, क्लियर हो गया कि ये हु जो है वो यर्स का को जो है ना वो उसका प्रोनाउन नहीं है बल्कि इससे प्रीवियस नाउन का प्रोनाउन है। तो यहाँ पे बॉय जो है वही नीडेड टू बी अवार्डेड, जाहिर है यर्स को अवार्ड तो नहीं किया जा सकता प्राइज, तो इसका मतलब ये पूरे सेंटेंस का जो की वर्ड है वो बॉय है, और बॉय के हिसाब से जाहिर है हु इस्तेमाल हुआ, तो डेफिनेटली इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तक, अब जो हमारी जो पूरा सब्जेक्ट है वो कहाँ तक बना, इससे पहले पहले ये एडजेक्टिव क्लॉज थी, ये वो प्रपोजिशनल फ्रेज थी जो एज एडजेक्टिव रोल प्ले कर रही थी, सारे के सारे बॉय के मीनिंग में इजाफा करें, इंटेलिजेंट भी बॉय के, एन भी बॉय के, और एक प्रपोजिशनल फ्रेज और एक एडजेक्टिव क्लॉज। अब लेकिन हमारा जो सेंट्रलाइज वर्ड है वो बॉय है, बॉय के हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, शाइजा एज वेल एज माहिर हैव या हैज वॉच्ड अ कार्टून मूवी जस्ट नाउ। अब यहाँ पे क्या होगा, शाइजा एज वेल एज माहिर, तो अब यहाँ पे भी सिमिलरली हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो शाइजा है, एज वेल एज माहिर ये इसको इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसके शाइजा के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉच हैज आ जाएगा। अब यहाँ पे इन अदर वर्ड्स, वैसे हम रूल के तौर पे ऐसे भी वी आल्सो सी इन द बुक्स कि एज वेल एज तो पहला सब्जेक्ट होता है हमारा, खैर इस तरह से समझ लें और वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि चूंकि ये एज वेल एज महीर एज अ प्रपोजिशन फ्रेज एज वेल एज, और प्रपोजिशन फ्रेज नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है, नाउन हमारा जो मेन कीवर्ड है और उसी के हिसाब से हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। अगला हमारा जो टॉपिक होगा या हमारा सब टॉपिक होगा सब्जेक्ट अग्रीमेंट का, वो इन्फिनिटिव और जेरंड है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, सेकंड वीडियो में, कि किस तरह से हम इन्फिनिटिव और जेरंड को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से आप सिमिलरली वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बाय स्टॉपिंग और बाय पॉजिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन है, वी कैन सी अब डिफरेंट इन्फिनिटिव एंड जेरंड आई हैव यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, एंड यू हैव टू सी हाउ द वर्ब अग्रीमेंट इज मेड इन दीज केसेस व्हेन वी यूज इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टू एडवाइज अदर इज आर आर। याद रखिएगा इन्फिनिटिव हमेशा, इन्फिनिटिव फ्रेज हमेशा सिंगल होती है, तो अब यहाँ पर भी लास्ट पे इसका वर्ड क्या है, अदर्स है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, क्योंकि अब ये अदर सब्जेक्ट नहीं है हमारा, बट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज टू एडवाइज अदर, तो ये पूरी की पूरी एक सिचुएशन है दूसरों को नसीहत करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिचुएशन है जिसको हमने बयान किया। हेल्पिंग द पुअर हु फेस या फेसेस ट्रबल्स हैज हैव, तो यहाँ तक हमारा सारा का सारा सब्जेक्ट है।